Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के वार्सो के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यूक्रेन ने बुधवार को मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। शहर के मेयर ने कहा कि रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने राजधानी की ओर उड़ रहे कम से कम 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर से उड़ा एक ट्रेनिंग विमान लापता हो गया है, जिसे खोजने के लिए सरायकेला जिले में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई है। थाने के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार की वारदात सामने आने के बाद यहां आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी समेत कई दलों के नेता 9 राज्यों की 12 सीटों के लिए अपना नामांकन करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भारत बंद का असर दिखा दिया है। पटना के साइंस कॉलेज के पास लोगों ने भारत बंद को लेकर हंगामा किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज भारत बंद के मद्देनजर MI रोड इलाके में दुकानें बंद है। भारत बंद को लेकर बिहार की आरा में भीम आर्मी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं और उन्होंने अप और डाउन लाइन को बाधित कर दिया है। पुणे के पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगलदास बादल को ED ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में बच्चे के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में कल हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे करीब 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने रामदास कदम और रविंद्र चव्हाण विवाद पर चिंता जताई है। सामंत ने दोनों से समझदारी दिखाने की अपील की है। थाने में एक सन की बेटी ने SUV कार से अपने परिवार के सदस्यों को कुचल दिया है। आरोपी ने पिता की कार को 2 बार टक्कर मारी। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। थाने के मेरा रोड में पुलिस ने छापेमारी कर 5 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा, जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रही थी। पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इलेक्शन से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी नेता ने शिवसेना UPT ज्वाइन किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुना है बदलापुर मामले में जो पकड़ा गया है वो बीजेपी से जुड़ा है, अगर ऐसा है तो क्या उसे भी निबंध लिखकर छोड़ दिया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत गिरावट पर हुई है और मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद ही ये सपाट दायरे में फिसला है। सोने ने एक महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1400 रूपए की छलांग मारी है, जबकि चांदी 3150 रूपए ऊपर गई है। 15 अगस्त के मौके पर इस बार सिनेमाघरों में Stree 2 खेल खेल में और वेदा सहित साउथ की कई फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि इन सभी फिल्मों में हॉरर कॉमेडी फिल्म Stree 2 की टिकट काउंटर पर आतंक मचा रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।